Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we have the brand new 2023 Husqvarna Witpillion 250 with us. So आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि why this bike is the most underrated bike in the Indian segment. And believe me, ये जो bike है, this is one of the most powerful 250cc जो आप Indian market में देख सकते हैं. तो आज के इस वीडियो में हम total इसका बात करेंगे, कैसी गाड़ी है, क्या pricing में है, क्या service है, क्या sales है. So video के अंत तक बने रहिए. And before that, let's get started. So let's start talking about the new Husqvarna Witpillion 250. So Husqvarna is a brand which was launched under, या उसके साथ बोल सकते हैं आप, KTM के द्वारा ही लॉन्च किया गया था in the year of 2020 if I'm not wrong. And ये ब्रांड को काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग नहीं मिला, बिकॉज जैसे ही KTM ने ब्रांड लॉन्च किया उनके अंडर, उसके बाद कोविड आ गया था. सो दैट वॉज अ यू नो मेजर ड्रॉबैक फॉर दिस मशीन. कभी इसको मार्केट ज़्यादा मिला नहीं, लोगों को पता नहीं चला इस ब्रांड के बारे में. बट आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों ये बहुत बढ़िया गाड़ी है. सो Husqvarna को KTM ने ऐसा बताया लॉन्च किया था 2020 में. एंड दोनों ही गाड़ी है, इसके दो वेरिएंट्स आते हैं, एक Witpillion आता है, एक Sportpillion आता है. दोनों ही 250 सेगमेंट में है. ड्यूक 250 से थोड़ा सा ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करते हैं एंड कंपैरेटिवली प्राइसिंग में उससे थोड़ा सब्सटेंशियल कम प्राइसिंग में आते हैं, विच मेक्स इट यू नो काफ़ी अफोर्डेबल प्लस ज़्यादा पावरफुल भी. तो कंज्यूमर के लिए तो दैट इज़ अ गुड थिंग, राइट. एंड ये जो हमारे पास है, दिस इज़ द Witpillion. सो Witpillion एंड Sportpillion में डिफरेंस बेसिक है कि Witpillion जो है वो थोड़ा सा स्पोर्ट्स कैटेगरी में आती है. सो यू डू गेट क्लिप ऑन हैंडल बार्स इन दिस मशीन. बट Sportpillion थोड़ा सा स्क्रैम्बलर लुक में आता है, तो उसमें आपको नॉर्मल ड्यूक जैसे हैंडल बार्स देखने के लिए मिलेंगे. एंड थोड़ा सा उसमें बेसिक एस्थेटिकल चेंजेस हैं, टॉकिंग अबाउट द टैंक गार्ड एंड एवरीथिंग. सो Sportpillion का भी मैं जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को. सो नाउ टॉकिंग बैक टू Witpillion 250. सो जो Witpillion 250 है, इसका एक नया कलर वेरियंट लॉन्च किया है KTM या Husqvarna ने इस साल. सो 2023 के लिए Husqvarna इज लॉन्च द प्योर मैट वाइट पेंट स्कीम फॉर दिस मशीन. सो उससे होता क्या है कि अभी ये वाइट होने के बाद काफ़ी ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड, काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी एंड काफ़ी ज़्यादा नीट लुक देती है आपको. सो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे LED हेडलाइट्स दिए हुए हैं जो राउंडल हैं. पूरा का पूरा आपको LED इंडिकेटर्स भी बहुत अच्छे दिए हुए हैं. प्लस यू डू गेट अ वाइट मैट वाइट टैंक जो काफ़ी ज़्यादा सीमलेस देखने के लिए मिलेगा आपको. एंड यू गेट गुड क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट कंसोल एंड स्विच गियर क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी नाइस. प्लस जो क्लिप ऑन हैंडल बार है वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी वाइड है, विच गिव्स यू अ वेरी स्पोर्टी राइडिंग पोस्चर. सो Witpillion जो है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है. दिस इज़ नॉट फॉर एनीवन हु इज़ नॉट यूज टू राइडिंग अ यू नो मे बी अ कैफे रेसर और अ स्पोर्ट बाइक, तो उसके लिए बहुत अजीब लगेगा इनिशियली. बट एक बार आप इसकी आदत लगा लेंगे, दिस बाइक इज़ यू नो द वे टू गो. बिकॉज देखने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी एंड बहुत सोफेस्टिकेटेड लगती है ये. सो वो एक चीज़ है. नाउ टॉकिंग अबाउट द इंजन, सो दिस बाइक हैज़ दैट सेम सॉर्ट ऑफ ड्यूक 250 का इंजन, बट थोड़ा सा ट्यूनिंग अलग है. सो दिस Husqvarna 250 इंजन प्रोड्यूसेस 30.5 BHP एंड 24 NM टॉर्क, विच मेक्स इट यू नो 1 BHP ज़्यादा देन ड्यूक 250. प्लस इसका जो वेट है वो भी काफ़ी कम है, इट्स अराउंड 153 किलोग्राम्स, जो पावर टू वेट रेशियो में उसको बहुत ज़्यादा बेहतरीन बना देता है. क्योंकि आपको 1 BHP से ज़्यादा मिल रहा है ड्यूक 250 से, वो आप जब इसको राइड करेंगे तो काफ़ी लोगों को नहीं समझ आता, बट जो यूज टू है राइडिंग के उनको समझ आ जाएगा इमीडिएटली. एंड सेकेंड थिंग, यू डू गेट अ स्लिपर क्लच, सो वो बहुत बेहतरीन है इसमें. बिकॉज आपको ये जो 250 के प्राइस से अराउंड 15-20,000 कम पे आएगा, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट एंड सिटी यू आर लिविंग इन. बट 200 ड्यूक एंड 250 ड्यूक के जस्ट बीच में आता है इसका प्राइसिंग. तो आपको स्लिपर क्लच का फैसिलिटी भी दे देता है Husqvarna. प्लस आपको जो 250 का इंजन है वो भी काफ़ी बेहतरीन देखने के लिए मिल जाता है. प्लस यू डू गेट यू नो टॉकिंग अबाउट द सस्पेंशन, WP Apex का सस्पेंशन, फ्रंट में भी 43 mm का अपसाइड डाउन फोक एंड पीछे की तरफ आपको प्रीलोड एडजस्टेबल WP Apex का मोनो शॉक भी देखने के लिए मिल जाता है. तो कॉस्ट कटिंग कहीं भी नहीं है, बिकॉज WP Apex के सस्पेंशन आपको 250 ड्यूक में देखने के लिए मिलते हैं, जो सेम आपको इधर भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जिससे आपका स्टेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड ओवरऑल जो आपको राइडिंग डायनामिक्स आता है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है. प्लस यू डू गेट अ न्यू सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कंसोल इन द Husqvarna रेंज ऑफ बाइक्स. सो इसमें आपको राउंड इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलेगा, गिव यू सेम इन्फॉर्मेशन एज वॉट यू गेट इन द ड्यूक 250. सो आपको एक्चुअल फ्यूल कंजम्पशन, ट्रिप ए ट्रिप बी, टाइम, RPM, स्पीडोमीटर, प्लस उसके साथ कितना किलोमीटर बचा है सर्विस के लिए, इंजन मालफंक्शनिंग लाइट, ऑल सॉर्ट ऑफ लाइट्स, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर, डुअल चैनल ABS स्टैंडर्ड आता है इस बाइक में. एंड कमिंग टू द ब्रेकिंग, सो यू डू गेट 320 mm डिस्क ब्रेक एट द फ्रंट, कैलिपर्स आर टेकन केयर बाय Vibre, बहुत अच्छा है. डुअल चैनल ABS स्टैंडर्ड देखने को मिलता है आपको, पीछे की तरफ आपको 230 या 240 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है. सो उसमें भी आपको ABS का ऑप्शन है. सो अगेन सेफ्टी के वाइज भी काफ़ी अच्छा काम किया है.
Now talking about the fuel tank is around 9.5 liters, which is not so big, but इतना है कि आपका काम निकल जाएगा because this bike is quite sleek, quite compact. तो उसमें आप फ्यूल टैंक बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज इसका डायनामिक्स ही ऐसा है. तो 9.5 liters इज़ गुड इनफ इन माई ओपिनियन. प्लस इसका जो सीट है वो काफ़ी फ्लैट है. इट्स नॉट लाइक KTM से ड्यूब जिसमें राइडर सीट नीचे होता है, पिलियन सीट ऊपर होता है. इसमें आपको सेम लेवल पे ही दिया हुआ है तो पिलियन के लिए उतरने बैठने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा. बट आई वुड नॉट रिकमेंड एनी पिलियन टू यू नो सिट बिहाइंड द बाइक फॉर मोर देन 2 आवर्स बिकॉज सीट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है. बट फॉर द राइडर इट इज़ गुड इनफ. आपको एक्सटेंशन भी टैंक का काफ़ी अच्छा दिया हुआ है फॉर द सपोर्टिंग. एंड अगर आपको आगे पीछे करना है इन टर्म्स ऑफ लेट्स से यू आर राइडिंग अबव 200 किलोमीटर्स एट अ स्ट्रेच तो वो है. बट विड पिलियन इज ओनली फॉर यू नो एन इंडिविजुअल हु लव्स कैफे रेसर्स या फिर आप बोल सकते हैं इसको स्पोर्ट्स बाइक चलाने का आदत है बिकॉज क्लिप ऑन्स के साथ एक ऑर्डिनरी आदमी को थोड़ा सा कम्फर्ट नहीं आता है. एंड इसका डायनेमिक्स थोड़ा अलग है तो जब तक आप चलाएंगे नहीं आपको समझ नहीं आएगा. और इसमें जो ओवरऑल पैकेज है वो काफ़ी अच्छा दिया है KTM ने Husqvarna ब्रांड के अंदर. तो अगर आप मार्केट में जा रहे हैं अंडर 2.5 लाख रुपीज़ बाइक देखने के लिए एंड यू वांट दैट सेक्सी लुकिंग बाइक प्लस वैल्यू फॉर मनी चाहिए आपको तो Husqvarna इज़ अ ब्रांड विच यू कैन कंसिडर. एंड स्पेशल थैंक्स टू KTM Husqvarna बर्न गार्डन फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस व्हीकल. सो अगर आप पुणे में रहते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू चेक आउट एनी ऑफ दिस बाइक्स द कॉन्टैक्ट नंबर इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. आप उसको चेकआउट कर सकते हैं. So let's start riding this amazing Witt Pillion 250, the 2023 variant. So abhi kaafi andhera ho gaya but still we'll just try to, you know, take a small round around the showroom to give you an idea kya update hai kya nahi. So let's go. So sabse pehla cheez which you will immediately notice is the riding posture. So kaafi zyada sporty riding posture hai. It's not you know something which most of the people would be familiar about because clip-ons hain jo kafi aage ki taraf leaned hain. Then you have foot pegs which are again you know at the back side thoda sa piche ki taraf hain. So you have that proper sports riding posture and frankly bolu to ye RC se bhi thodi si zyada uncomfortable hai and that is why this bike is not meant for anyone who's just started riding because अगर आप ये पोस्चर से बिल्कुल भी फेमिलराइज नहीं है तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगा चलाने में. बट वंस यू आर यूज टू दिस पोस्चर देन दिस बाइक फील्स लाइक अ ऑसम मशीन. प्लस जो ब्रेकिंग है परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. एज आई टोल्ड यू कि इसमें ड्यूक 250 से 1.5 BHP के आसपास ज़्यादा है. सो अभी तो आपको इतने पार्किंग वगैरह में या सिटी के अंदर नहीं पता लगेगा बट जब आप थ्रॉटल खोलेंगे पूरा तब आपको बहुत अच्छे से पता लगेगा व्हाट दिस बाइक इज़ ऑल अबाउट. एंड जो मेन फोकस है इसका वो है लुक्स पे. तो दिस लुक्स यू नो एक्सेप्शनली वेल. काफ़ी सोफेस्टिकेटेड गाड़ी है, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है देखने में भी, चलाने में भी एंड प्राइसिंग में भी. सो दिस फील्स एंड दिस लुक्स यू नो वेरी नाइस. इट्स क्वाइट यूनिक लुकिंग मोटरसाइकिल जो आपको इंडियन रोड्स पे कभी देखने के लिए नहीं मिली होगी. एंड अभी मेन चीज़ सेल्स एंड सर्विस कौन देखता है इसका. तो अगर आपको ये गाड़ी लेनी है आप किसी भी KTM के शोरूम जा सकते हैं, वहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी है कि ये गाड़ी मिल जाएगा. स्टॉक्स का वैसा है तो आप अगर पुणे में रहते हैं तो बन गार्डन आ सकते हैं. एंड सर्विस के लिए यू कैन गो टू एनी KTM सर्विस एंड ये गाड़ी पूरा का पूरा KTM ही संभाल रहा है आफ्टर सेल्स एंड सेल्स. तो आपको वैसा कुछ सर्विस अवेलेबिलिटी एंड सर्विस यू नो ऑप्शंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला KTM का जहाँ पे भी आपको मिल जाएगा. एंड इफ़ यू डोंट हैव KTM यू माइट गो टू इन इमरजेंसी केसेस बजाज में जाके भी आप करा सकते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन. सो यही था इस वीडियो के लिए. क्या डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं तो मेरे को डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने डिटेल्स दिया हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं. नहीं तो कमेंट्स में मेरे को डाउट्स बता सकते हैं, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट. एंड वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए. एंड इसका जल्दी ही शॉर्ट फिल्म का भी वीडियो आएगा तो वो भी चेकआउट कर लीजिएगा. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय बाय.